सीरीज रेजोनेंट सर्किट। इस सर्किट में हमारे पास रेजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर यूज किए जाते हैं, इसीलिए इसको R से रेजिस्टर, C से कैपेसिटर और L से इंडक्टर यानी RLC सर्किट का नाम दिया जाता है। RLC सर्किट को मैथमेटिकली सॉल्व किया जाता है। इस सर्किट की एग्जांपल से हम देखते हैं कि तीन कंपोनेंट्स इकट्ठे सीरीज में लगे हुए हैं, साथ AC वोल्टेज सोर्स लगी हुई है जो 15 वोल्ट और 16 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के साथ है। इन सर्किट्स में हमें रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी फाइंड करना होती है और उसका फॉर्मूला क्या है, FR=1/2π√LC। इम्पीडेंस फाइंड करनी होती है और उसका फॉर्मूला है Z=√R² + (XL-XC)² वोल्टेज और करंट RMS वैल्यूज, कैपेसिटिव और इंडक्टिव रिएक्टेंस। इन सर्किट में जितनी पावर कंज्यूम हुई उसके लिए P=I²R। फिर टोटल पावर फैक्टर को कैलकुलेट किया जाता है, P=VRMS/IRMS cos φ। इन सारे फॉर्मूलाज को साइड पर रख के अब आपने इन सर्किट्स के कंपोनेंट्स की वैल्यूज को देखते हुए सब अननोन वैल्यूज को फाइंड करना है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिसमें स्टेप वाइज सारी कैलकुलेशंस की गई हैं। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। लास्ट में आपको एज अ प्रैक्टिस होम असाइनमेंट सर्किट प्रोवाइड किया गया है, सॉल्व करके कमेंट्स में उसका आंसर ज़रूर प्रोवाइड कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक, कमेंट, शेयर एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल टू स्टे ट्यून्ड विद माई अपकमिंग वीडियोज़। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। ही अमान अल्लाह। गुड बाय।